इधर बेगम साहिबा ने आग वगैरह जो है जला दी है माशाल्लाह से। क्या बना रहे हो आज? आज बना रहा है छोले वाली दाल। छोले वाली दाल माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आटा जो है माशाल्लाह से आ चुका है गूंदने के लिए माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आप गूंद रहे हो भाभी जान? भाभी जान गूंद रही है जी। हम तंदूर जलाते हैं। आप तंदूर जलाओगे? नमक ऐड कर रहे हो जी? थोड़ा सा कम है। अच्छा आपको कम लग रहा है? हाँ हाँ जी। पहन ली जूती? ये देखे जी बुशरा को जो है जूती मैंने पहना दी है। अब ये खुश है? खुश हो? हाँ खुश हो? अच्छा हाँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अल्लाह फजल करम से आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। जो बीमार है शफाता फरमा जो बेलादे से नेक्सर ही औलाद दे। शुरू करते हैं आज का शाम का व्लॉग रहना है हमारे साथ साथ। आज वीडियो होने वाली है बहुत ही मज़ेदार। जो है पूरा वॉच करें इसकी बिल्कुल नहीं करना। जो बहन भाई हमारे चैनल पर नहीं आ चुके हैं हमारे चैनल का क्या तक हमारी आने वाली न्यू वीडियो जो है आप तक बहुत बहुत आसानी से पहुँच सके। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए, जो भी औलाद है अल्लाह ताला उनको नेकसले औलाद दे। तो शुरू करते हैं माशाल्लाह शाम का व्लॉग करें आपने हमारे साथ साथ। आज की वीडियो जो होने वाली है बहुत ही मज़ेदार। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि जो बहन भाई हमारे चैनल पर न्यू आ चुके हैं जल्दी जल्दी से कर दे हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को जो है कर दे प्रेस, ताकि हमारे आने वाले न्यू वीडियोस जो है आप तक बहुत बहुत आसानी से पहुंच सके। इधर बेगम साहिबा ने आग वगैरह जो है जला दी है माशाल्लाह से। क्या बना रहे हो आज? आज बना रहा है छोले वाली दाल। छोले वाली दाल माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आज इधर बनाई जा रही है छोले वाली दाल। देख जी चढ़ा दी माशाल्लाह से। और इधर क्या है? ये देखे जी ये है जी लहसुन जो अपने वाला था। उसके बाद जो ये क्या है? ये प्याज। ये प्याज है ना। और इसके अंदर क्या है? पानी भरा हुआ है। दाल है? दाल है, उबली हुई है। उबाल कर ली है माशाल्लाह। बनाई करनी है आपकी। ये लहसुन की कुटाई होगी अब या ऐसे ही छील के डाल दोगे? नहीं नहीं इसका पेस्ट बनाएंगे। इसका क्या? धनिया भी है। अच्छा इसके अंदर ऐड कर दिया है जी। देखती मैं घी ऐड किया हुआ है क्या? गरम हो जाए डालेंगे। हाँ जी वही तो मैं देख रहा हूँ। मैंने कहा ये जो है ना शुकार किस तरीके का आ रहा है। अच्छा जी अब एक जगह से जो है हमारी गंदम रह गई है, वो भी इंशाल्लाह कल जो है हम लेके आएंगे। बाकी सब लोगों से जो है आ गई है। अहमद भाई की जो काटी थी उसकी आई है, वो तो हम खा भी गए हैं। शहजाद भाई की जो है रह गई है, उनके घर से जो है लेके आने दाने अभी। वो कल चले जाना। हाँ कल जो है इंशाल्लाह वो लेके आएंगे। बाकी सब से जो है हमने उठा लिए हैं। हाँ जी महरीन की तबीयत बेहतर है, चली गई आज? बच्चों के साथ गई है ना पढ़ने के लिए? स्कूल भी गई है, मदरसा भी चली गई है। अच्छा माशाल्लाह। ये क्या है? लाल मिर्च। देख जी बराबर नहीं बैठी हुई क्या? नहीं बराबर है, वो आग नहीं चल रही थी ना इधर। अच्छा इस आग जो है नहीं चल रही थी इसकी वजह से। घर की सफाई वगैरह जो है कर ली है माशाल्लाह। घर की सफाई वगैरह जो है बिल्कुल हो चुकी है। अभी सूरज जो है ढलने के लिए आ गया है, अभी जो है शाम हो गई है। रात कैसे बादल बन गए थे, ऐसे लगता था अभी बारिश आ जाएगी। हाँ यार बारिश भी आने लगी थी, बस थोड़ी देर के अंदर अंदर फिर आसमान साफ हो गया है। हाँ बस अल्लाह का ये भी करम हुआ है कि साफ हो गया है।
नहीं तो ऐसा लग रहा था जोर की बारिश आने वाली है। हाँ आधे घंटे के बाद कुछ नजर आने नहीं आया। जो गरीब बंदे हैं जिनके गंदम अभी है तो वो बेचारों के खराब हो जाती ना ये रहती है ना। हाँ जो दूर दूर है नजदीक वाली खत्म हुई है ना अभी। अभी जो है कितने लोगों की गंदम जो है अभी है। बुशरा की तबीयत बेहतर है अब दवाई पीने के बाद जो है बेहतर होगी अब खेल रही है। हाँ आज वो जो है ना मयूद्दीन भाई ने कहा है कि मैं आ रहा हूँ तो हम जब उनके घर गए थे तो आपने देखे थे ना खरगोश उनके घर पे घूम रहे थे। हाँ। वो कह रहे थे थोड़ा सा घास कहीं मिल जाए तो जो है हम लेके जाएंगे खरगोश के लिए। हाँ। उनको जो है डालेंगे। हाँ, हमारा तो नहीं है मामू जान को है उसके पूछ कर ले देना। चलो पूछेंगे पता नहीं देते हैं कि नहीं। अब हाँ। वो आ तो रहे हैं देखते हैं जी अब घास वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता। हाँ जी अल्लाह करे। हाँ जी वो भी काफी दूर से जो है आ रहे हैं सफर करके तो उनकी जो है मुझे कॉल आई थी कह रहे थे कि हम जो है आ रहे हैं आपके घर। मैंने कहा खैरियत खैरी आ रहे हो। मैंने कहा पूछो ना चाहिए ना बंदे को क्या काम है। तो वैसे तो आते रहते हैं वो बात नहीं है लेकिन जो है उसने कहा है कि काम ये है कि घास चाहिए था अपना खरगोश के लिए। हाँ तो मैंने कहा मैंने कहा हमारी तो जमीन नहीं है भाई देखो आ जाओ कहीं ना कहीं से कर देंगे आपको आपको खाली तो नहीं भेजेंगे। अब कोई मेहमान चल के आए हमारे पास अगर हमें कोई कहे तो हम उसकी बात टाल तो नहीं सकते। हाँ हाँ मेहमान की तो कदर करनी चाहिए ना। अच्छा जी अब दाल ऐड कर रहे हो। ये दाल को पहले से आपने उबाइल करके रखा हुआ था। हाँ जी बहुत ही गर्म है ये देखो। नरम हो गई है जी फुल जी। बहुत ज्यादा नरम हो गई है ना। सही है ऐसे। हाँ सख्त होते है ना वो अच्छी नहीं बनती। सख्त तो फिर खाने की रहती भी नहीं है ना। ये अच्छी दाल है ना। आपको तो सब एक्सपीरियंस है। हाँ। आप तो भाई उस्ताद हो हमारे ऐसे। हाँ। आप हमारे उस्ताद हो। हाँ चलो माशाल्लाह। लहसुन की कुटाई करके डालोगे। हाँ, बस ये थोड़ी सी उबलेगी फिर सारा बन जाएगा फिर बना के रोटी। आटा भी गूंदना है ना भी। हाँ जी तंदूर भी जलाना है वो फिर जल्दी जल्दी से बना लो ना। जी, बना लेते ये जो है आप इसकी कुटाई कर लो उसके बाद भाभी जान को कह दो ना वो आटा गूंद ले या तंदूर जला ले एक काम वो कर ले। आटा जब तक हम इतनी देर में हमारा काम जो है जल्दी से हो जाएगा। हाँ टाइम से बिजली लाइट चली जाती है ना। अब्बू जान काम से आ गए हैं। हाँ जी काम से माशाल्लाह आ गए हैं वो ना तुम्हारी सिस्टर के घर। अच्छा तहर भाई भी वो भी दोनों। हाँ मेरे सिस्टर के घर दाने देने थे। हाँ उनकी जो है हमने गंदम देनी थी अभी मुझे याद आया प्यारे बहन भाइयों जब तहर भाई की शादी हुई थी तो उस टाइम शहीना उठाए थे ना। हाँ जी इसलिए देने थे वो चले वो उसने कहा गंदम तो काट भी है ना। हाँ दे के आए उसके दाने। अच्छा जी हाँ उसके दे दे भी चलो हमारे पास आ गए हैं तो उनको दे दे वापस। हाँ जी। क्योंकि उधार की चीज जो होती है फौरन लौटा देनी चाहिए। हाँ। ऐसे उनकी ये मेहरबानी है बहुत बड़ी कि उन्होंने मुश्किल वक्त में जो है हमें दिए थे। काम है कल फिर काम है जी। आज टाइम से आ गए। अच्छा। खत्म हो गया ना कल दूसरे का है। हाँ जी अब तो हुमैर भाई भी माशाल्लाह से काम पे है ना। हुमैर तो देर से आता है मगरिब के बाद आता है। इसकी कुटाई नहीं हुई अभी तक। बस हो गई है। चले जी ये देखें इसके अंदर आप पानी डालोगे। ये थोड़ा सा पानी डालेंगे ना घोल के फिर वैसे डालेंगे। अच्छा ताकि ये जल्दी से जो है उतर जाए दवरी से और आप जो है इसके अंदर ऐड कर सको। अभी ये दाल का पानी और खुश्क होगा या ऐसे ही रहेगा। कहना थोड़ा सा खुश्क होगा थोड़ा खुश्क होगा। हाँ।
यानी कि ये जितना आधा काम हो जाएगा उसके बाद ये जो दाल को शेना उबाला जाता है, जो उबाला हुआ पानी होता है वो गिराना नहीं चाहिए, इसी के अंदर डालना होता है। उससे क्या फायदा होता है हमें? अच्छी दाल में बनती है ना। अच्छा, जायका बनता है उससे? हाँ। उससे दाल का मियार जो है उबाल के भी तो ना, हाँ, दाल अच्छी नहीं बनती। वो तो खत्म हो जाती है। अच्छा, यानी के दाल की जो ताकत होती है वो खत्म हो जाती है, वो अच्छी नहीं बनती। अच्छा अच्छा, चलो ये भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आटा जो है माशाल्लाह से आ चुका है गूंदने के लिए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आप गूंद रहे हो भाभी जान? भाभी जान, भाभी जान गूंद रही है जी। हम तंदूर जलाते हैं। आप तंदूर जलाओगे जी? नमक ऐड कर रहे हो जी? थोड़ा सा कम है ना। अच्छा, आपको कम लग रहा है? हाँ, और भाई फिर भी आपको अंदाजा जो है ना वो बहुत ही कमाल का है। वैसे माशाल्लाह नेक महीना था माह रमजान का, चेक तो नहीं कर सकते थे रोजे में, तो माशाल्लाह से बहुत ही यानी कि कमाल की आप रेसिपियां बनाते थे। पकोड़े भी बनाना, उनमें भी नमक पूरा होना चाहिए, और समोसे बनाए उनमें भी नमक पूरा होना चाहिए, सालन बनाया, अंदाजा हो जाता है ना, हर चीज का एक अंदाजा हो जाता है। आपका अंदाजा जो है बहुत ही अच्छा है, कमाल का है। इधर जो है तंदूर माशाल्लाह से जला दिया है जी, अभी थोड़ी देर के अंदर रेडी हो जाएगा। अभी इसके अंदर आग जल रही है, और इधर जो है चार पाइयां वगैरह जो है दो निकाली है बाहर, ताकि जो है इधर कोई बैठ जाता है बाहर, सफाई वगैरह सब होके। और बुशरा, बुशरा क्या कर रहे हो? जूती पहन ली बुशरा? ये देखे जी मेरी बेटी के काम देख लें। बुशरा कह रही है जूती पहनाओ मुझे। जूती पहना है? हाँ पहनाऊ, जूती पहनी है आपने? हाँ, अच्छा मैं आपको पहनाता हूँ, एक मिनट पहनाता हूँ आपको, पहनाता हूँ बुशरा आपको। हाँ खुद पहन लोगे? आप पहन लोगे? नहीं पहनी जाती? मम्मी पहनाएगी आपको? चलो मैं आपको खुद पहना देता हूँ, कोई बात नहीं मैं पहना देता हूँ। हाँ जी पहन ली जूती, ये देखे जी बुशरा को जो है जूती मैंने पहना दी है। अब ये खुश है? खुश हो? हाँ खुश हो? अच्छा हाँ, जूती पहन ली? असल में ना ये कह रही थी मुझे जूती पहनाओ जी, अभी जो जूती पहन के खेलती हूँ ना, जूती जो है इसको मैंने पहना दी है। सलाम कर दो। हाँ वालेकुम सलाम। बुशरा सलाम भी करती है? हाँ, जूता पहना दिया है? हाँ मैंने पहनाया है अपनी बेटी को। कौन पहनाया बाबा? कौन? हाँ मेरी तरफ इशारा कर रही है बाबा। कौन बाबा? सलाम बाबा। बुशरा बुलाओ, कैसे बुलाते हो बाबा? बाबा बुलाओ, बाबा बाबा बुशरा का बाबा, बाय तो करो, बाय करो, बाय बाय। आहा आहा, जूती पहन ली है ना, जूती पहन के खुश हो गई है, खुश हो रही है जूती पहन के। चलो भागो, पानी ले आओ, पानी। नहीं नहीं कहाँ जा रहे हो? आपने उसको भेज दिया ना, नहीं भेजना चाहिए था। क्या? आ जाओ इधर आओ, इधर आओ बुशरा, आ जाओ भाग के आओ, भाग के भाग के भाग के आ जाओ सोने बेटे, आ जाओ। आ गए हो? आ गए हो? चूड़ियां तो दो मुझे, चूड़ियां तो दो मुझे अपनी, ये चूड़ियां ये मुझे दोगे? हाँ मुझे दोगे? ये ये वाली दे दोगे? ये पोनी दो दे मुझे, पोनी पोनी मुझे दोगे? नहीं देगी? हाँ वो बहुत ज्यादा खुश है। आपको पता है ना पोनी जो है उसकी फेवरेट है। आ जाओ बैठ जाओ चारपाई के ऊपर, आदिल के साथ जो है बैठ जाओ। आदिल आप भी आ गए हो?
हाँ बाल सेट कर रहे हो हाँ सुरमा ज्यादा पहन लिया आपने, दुही के साथ पहना है सुरमा, दुही के साथ पहने, नहीं 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 इसको नहीं ऐसे बाहर निकालो, सुरमा दुही के साथ आपने पहना है हाँ 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 मम्मा के पास जाओ। आदिल आप आपने सुरमा नहीं पहना, क्यों आपको पसंद नहीं है, फिर क्यों नहीं पहना, फिर क्यों नहीं पहना, वैसे नहीं पहना, चलो ठीक है फिर थोड़ी देर के बाद पहना दूंगा मैं आपको, पहनोगे हाँ अच्छा। फिर उसके बाद जो है आपके नानू चले गए उधर तहर मामू के साथ आपके, अच्छा तंदूर को देखा है शीना, आ जाओ देख लो रेडी हो गया मेरे ख्याल, अभी तो जल रहा है हाँ अभी जल रहा है थोड़ी देर है जी, थोड़ी देर तकरीबन इसको जो है ना 5 मिनट देर है, 5 मिनट लग जाएंगे उसके बाद जो है ये रेडी हो जाएगा थोड़ा हाँ वो टाइम से फिर आप खाना बना लोगे ना, अभी मगरिब की अजान जो है होने ही वाली है, मैं कहता हूँ अंधेरा होने से पहले पहले पका के रख दो, जैसे ही बच्चे आएंगे उनको बिठा के टाइम के साथ खाना खिला देंगे। आदिल खेल रहे हो बुशरा के साथ, ये देखो आदिल और बुशरा खेल रहे हैं, आदिल आदिल बुशरा आपको प्यारी लगती है हाँ, बुशरा प्यारी लगती है आपको, कितनी बहुत, आपकी छोटी बहन है, ये भी भाई कितना समझती है, हाँ भाई है मेरा कह रही है, खेल रही है आदिल के साथ, नहीं 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 झगड़ा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना आप लोगों ने, ओहो उधर नहीं उधर नहीं, आग जल रही है बुशरा बैठ जाओ चार पाई के ऊपर, अभी ये खेलने का इसका टाइम है ना, हाँ ये ठंडा टाइम जो है खेलने के लिए इसका होता है, धूप में सारा दिन जो है इधर धूप होती है क्योंकि दरख्त वगैरह जो है इधर तो नहीं है, इसलिए जो है हर तरफ ये देखे ना दरख्त जो है दूर दूर तक नहीं है, तो घर के जो सहन है इधर जो है धूप होती है तो बच्चे खेल नहीं पाते, और गर्मी भी वैसे बहुत ज्यादा होती है आपको बताया तो है, दिन में सो भी नहीं पाते बच्चे, इस टाइम को ये ठंडा टाइम होता है ना ये खेल रहे हैं, वो देखो वो भाग के जा रही है आदिल के साथ साथ खेल रही है, तो माशाल्लाह से मेहमान जो है हमारे आ चुके हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम भाई जान कैसे हो, ठीक हो, तबीयत ठीक है अल्लाह का शुक्र, आ गए हो खैरियत से, हाँ जी आ गए, आपकी सिस्टर को मैंने बताया, मैंने कहा मेहमान आ रहे हैं बरसीन लेने के लिए, हाँ जी चले जी, बरसीन तो आपके रिक्शे में रख दी है मैंने, हाँ जो इधर ये जो लगी हुई ना यहाँ से मैंने थोड़ी सी काटी है आपके रिक्शे में रख दिया है, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ चलो घर खाना वगैरह खाओ उसके बाद जो है फिर जाना, ये देखें छोटे छोटे बच्चे साथ, ए मामू आपने खाना नहीं खाना, आ जाओ चलते हैं घर खाना खा के फिर जाना, खाना खाना है चलो आप इधर जाओ, हाँ अब तो चलना पड़ेगा, हम वापस जा रहे हैं आप खाना खाओ ठीक है, ओके यार चलते है ना, खाना बना हुआ है ना, वो बना हुआ है आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर कभी आएंगे इंशाल्लाह, अच्छा तो स्पेशल जब बंदा आता है जैसे, अच्छा तो वैसे आएंगे, अभी तो हम ऐसे घूमते फिरते, हमने सोचा रिक्शे की बैटरी भी चार्ज हो जाएगी, अच्छा तो सैर सपाटा भी हो जाएगा, चले जी इंशाल्लाह जरूर चक्कर लगाएंगे आपके पास जरूर आएंगे, रिक्शे पे आए थे हाँ जी माशाल्लाह, चले जी जैसे आपकी मर्जी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, जरूर होगी इंशाल्लाह, चले शेनाम घर जी, चले जी फिर चलते हैं घर की तरफ, हाँ जी थोड़ा सा घास जो है शेना फिर उन्होंने आगे से लिया है, थोड़ा उनके रिश्तेदार यहाँ पे रहते हैं तो उधर से जो है उन्होंने थोड़ा सा घास काटा है, फिर उनको मैं छोड़ के आया हूँ आगे तक, और खाने की तो आपके सामने काफी मिन्नतें की है, उन्होंने खाना नहीं खाया मेहमानों ने, और उसके बाद जो है बोतल पिलाई है उनको दुकान से, हाँ जी आप सबने खा लिया खाना या अभी खाना है, सब ने खा लिया, अब सिर्फ मेरा रह गया है, चलें जी तो खाना जो है मेरा भी लग चुका है, बाकी सब घर वालों ने जो है खा लिया है, तो जो बहन भाई हमारे साथ खाना खाना चाहते हैं वो भी आके खा सकते हैं, चलें जी पढ़े बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना जो है मजे के साथ हमने खा लिया है, खा लिया आज आपने दाल जो है ना बहुत ही मजे की बनाई है, ये मोबाइल के फ्लैश की वजह से आपकी आंखें जो है चमक रही है, जैसे जैसे ना वो क्या कहते हैं सांप की आंखें होती है ऐसे,
तहर की नहीं चमक रही, आपकी लाइट पड़ रही है ना ज्यादा। चले जी, तो आज की वीडियो को जो ऐसी दुआ के साथ करते हम यहीं पे बंद, इंशाल्लाह मिलेंगे सुबह वाले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।